जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़। लोलाब इलाके में कई आतंकियों के छिपे होने की आशंका। एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने ढेर किया। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण की वोटिंग जारी। मुर्शिदाबाद, नदिया, बर्दवान और उत्तरी कोलकाता की 62 विधानसभा सीटों पर हो रहा है मतदान। 34 महिलाओं समेत 418 उम्मीदवार मैदान में। सिविल सर्विस डे पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। अब समय से पहले अफसरों का प्रधानमंत्री या सीएम ही कर सकेंगे ट्रांसफर। आज बेहतर काम करने वाले अफसरों को सम्मानित करेंगे प्रधानमंत्री। बारह राज्यों में सूखे पर आज फिर होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। गुजरात सरकार पेश करेगी हलफनामा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई थी फटकार। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन पर आज भी होगी नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई। बुधवार को कोर्ट ने कहा राष्ट्रपति कोई राजा नहीं, हो सकती है फैसले की न्यायिक समीक्षा। उत्तराखंड में फिर गरमाई सियासत। बीजेपी की सरकार बनाने की चर्चा के बीच राज्यपाल से मिले कांग्रेस नेता हरीश रावत बोले सरकार बनाने को लेकर विचार। नोएडा में बिल्डर्स की मनमानी पर नकेल की तैयारी। अथॉरिटी की टीम आज बिल्डर से करेगी मुलाकात। बायस ने की थी शिकायत, सीएम अखिलेश ने भी किया था कार्रवाई का भरोसा। यूपी के मथुरा में आपसी रंजिश में चली गोली, 4 लोग जख्मी। मौके पर पहुंची पुलिस पर उपद्रवियों ने किया पथराव। सवालों में हिंदुस्तान की शक्तिमानी सियासत और चला गया शक्तिमान। देखिए सुबह 8:30 बजे।